नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं। चलो हॉट क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज जो बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2021 को लेकर। जी हां फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके टॉप फोर सेफ जोन कौन से आपके आरआरसी ग्रुप डी में। आरआरसी ग्रुप डी 2021 की बात हो रही है। जी हां फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा इस जोन में आपका कंपटीशन बहुत कम है। आप तो बात करते हैं टॉप फोर सेफ जोन की, इन टोटल इनमें वैकेंसी कितनी है और टोटल फॉर्म कितने फिल हुए थे, पूरा डिस्कस इस वीडियो में कवर करेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे आपके पर सीट कंपटीशन जो है इस बार क्या रह सकता है और आपको एग्जाम जो है किस तरीके से देके आना है। चलिए दिन न करते इस वीडियो कवर करते हैं। सीआर मुंबई जोन की बात कर रहे हैं। जी हां फ्रेंड्स, सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की बात कर रहे हैं। तो आपकी टोटल वैकेंसी जो आई थी आपकी 9,345 आपकी टोटल वैकेंसी आई थी। अगर बात करें टोटल फॉर्म फिल की 9,07,390 आपके टोटल जो है फॉर्म फिल हुए थे। अगर बात करें पर सीट कंपटीशन की तो पर सीट कंपटीशन जो है आपका 97 पर सीट कंपटीशन। ये और भी नंबर पे आता है कि पर सीट कंपटीशन जो है 97 है, यानी कि 97 आपका पर सीट कंपटीशन है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन है इस जोन में। अगर आप हैं, अगर सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से हैं, तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से एग्जाम देके आना चाहिए और ज़्यादा एग्जाम में खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है आपको। 65 के बीच में भी अगर रो मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो मेरे हिसाब से 100% आप क्लियर हो सकते हैं। अगर बात करें हुबली जोन की तो हुबली जोन में आपका जो है वैकेंसी आई थी 7,167 आपकी वैकेंसी आई थी। अगर बात करें आपके टोटल फॉर्म फिल की तो टोटल फॉर्म जो आपके आए थे 6,70,283 आपके टोटल जो है फॉर्म फिल हुए थे। अगर बात करें पर सीट कंपटीशन की, पर सीट कंपटीशन जो है आपका 93 था। ये आपका आता है, ये जो है आपके दूसरे नंबर का है जिसमें आपका पर सीट कंपटीशन बहुत कम है। अगर बात करें चेन्नई जोन की तो चेन्नई जोन का जो वैकेंसी थी आपकी 9,579 आपकी टोटल वैकेंसी थी। अगर बात करें टोटल फॉर्म फिल की तो टोटल फॉर्म जो आपके थी 9,264 आपके जो है फॉर्म फिल थे। अगर बात करें पर सीट कंपटीशन तो पर सीट कंपटीशन जो है आपका 94 था। ये आपका जो है तीसरे नंबर का पर सीट कंपटीशन जो है इतना कम है। तो ये जो है आपके फोर सेफ जोन है। अगर बात करें आपके वेस्टर्न रेलवे मुंबई वैकेंसी है, देखो 10,734 आपकी वैकेंसी है। अगर बात करें टोटल फॉर्म फिल की तो टोटल फॉर्म जो फिल हुए थे आपके 9,90,770 आपके टोटल जो है फॉर्म फिल हुए थे। करीब करीब 10,00,000 आपके टोटल जो है फॉर्म फिल हुए थे। अगर बात करें परिसीट कंपटीशन तो परिसीट कंपटीशन जो है आपका 92 है, तो बहुत ही कम परसीट कंपटीशन। अब देखिए एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है तो आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है गलत मत करके आइए। अगर आप एग्जाम में गलत क्वेश्चन करके आते हैं तो मेरे हिसाब से मान लीजिए जो होता है आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरीके से एग्जाम देके आना। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो ही करके आइए, अन्यथा मत करके आइए। आप क्वेश्चन छोड़ के आइए तो अच्छा चलेगा, नहीं तो आप ज़्यादा करके आएंगे तो मेरे हिसाब से 100% जो है आप क्वालिफाइड से वंचित रह जाएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से एग्जाम देके आना और ज़्यादा करेक्ट क्वेश्चन करके आना, आपको बेस्ट क्वेश्चन नहीं करके आने। मेरे हिसाब से आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना।